Hello everyone. Now, ma'am is here again. Are you surprised? Ma'am is here again. So today, what we have to do? Today we will do what comes before. Today, what we will do? What comes before 1 to 50? 1 to 50. Yes, and my last class, you have done or I have done what comes before 1 to 20 and 1 to 30. Now today we will do what comes before 1 to 50. So now are you ready for my class? So now look here. Now give me 2 minutes. I am preparing my page. Okay, so now we have to write T and O, T and O. Do you know there is a difference between what comes after and what comes before? जब आप what comes after करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? हमारी जो line होती है, वो हमारी numbers के बाद में होती है, after. तो उसे आपको पता चल जाएगा, this is what comes after. और बिफोर में जो हमारी लाइन होती है वो नंबर से पहले होती है, इससे भी आपको पता चल जाएगा दिस इज व्हाट कम्स बिफोर. ये बिफोर नंबर्स हैं. सो नाउ आई एम राइटिंग सम नंबर्स हियर. डैश 20, अगेन डैश 29, again dash 43, again dash 46, again dash 50, again dash 10, again dash 39, and dash 41. Okay, now you have to answer it. 20. अब आपको पता है what comes before me? देखिए, look here, ma'am ने lines पहले लगाई है. It means this is before number. और after में lines बाद में होती है. It means that is after numbers. तो आज हम before numbers कर रहे हैं ना. Now this is 2020. Before it means you have to write previous number, not next number. Previous number you have to write. आपको previous number लिखना है. It means 1, 2. So you have to write not 3. You have to write 1, 1, 2. तो मैम ने 2 से क्या पहले बोला है? 1. तो this is previous number. आपको पता है what comes before में हम कौन से numbers लिखते हैं? Previous number, not next number. That is previous number we have to write. So 20. अब आपको क्या करना है? 2. It means 1 and 0. 0 से previous number 9. That is 19. Now next is 2, 9, 29. So 2 as it is 2. आपको पता है बिफोर नंबर्स में जो हमारे जीरो वाले नंबर्स होते हैं ना, हम उनको चेंज करते हैं. ओके, जैसे मैम ने यहाँ पर जब जीरो आएगी ना, तो आपको इन टू नंबर्स को चेंज करना है, फर्स्ट नंबर को भी और सेकेंड नंबर को भी चेंज करना है. ओके, एंड यहाँ देखिए, अब आप 2, 9, 29, तो 2 इट मीन्स 2 एंड बिफोर इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So before 9, 8 will come. So now I have to write 8 here. 43. So you have to write 4 and 2. Okay. So now next is 46. 40 it means आपको यहाँ पर लिखना है again 4 and 6. So now which number will come before 6? 5. 1, 2, 3,
4, 5, 6. तो मैम ने अभी 6 से पहले क्या बोला है? 5. तो कौन सा नंबर आएगा? 5, 45. नाउ अगेन 0 वाला नंबर हमारा आ गया है ना. तो अब हमें क्या करना है? हमें दोनों डिजिट्स को चेंज करना है बिफोर नंबर्स में. ओके, तो आपको 5, सो विच नंबर विल कम बिफोर 5? 4 एंड 9 एंड 0. 0 से पहले क्या आएगा हमारा? 9. 49. नाउ नेक्स्ट इज 10. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो नाउ विच नंबर विल कम बिफोर 10? 9 विल कम. सो नाउ आई हैव टू राइट 9 हियर. 9 इज अ सिंगल डिजिट ना, तो हम उसे ओ वाली लाइन में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज 3, 9, 39. तो इसमें हमें क्या करना है? 3, इट मीन्स 3, एंड बिफोर 9 8 विल कम. बिफोर 9 8 विल कम. सो नाउ दिस इज 41. सो 4 एंड बिफोर 1 विच नंबर विल कम? अब आप कहेंगे मैम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ना. लेकिन नहीं, 1 से पहले आपको पता है कौन सा डिजिट आता है? 0. 4, 0, 40. इज दैट ओके? आपको समझ आया होगा. अब मैम जल्दी आपको वर्कशीट सेंड करेगी व्हाट कम्स बिफोर 1 to 50. एंड आई एम श्योर कि जो आपने लास्ट वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, कर लिया आपने? नो? अगर नहीं किए तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए. ओके, फिर मैम आपसे जल्दी मिलेगी अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक आई एम श्योर कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. सो नाउ गुड बाय.